आज हम बनाएंगे स्नैक रेसिपी, वो भी बिना मैदा यूज़ किए, गेहूं के आटे से। हे फ्रेंड, मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर क्राउन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सही रेसिपी पता चले। साथ ही में मैंने लिया है 1/3 कप चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और इसको तीखापन आने के लिए हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, या आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बस चुटकी भर डालेंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे अजवाइन और स्वादानुसार नमक। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बनाया है ओरियो बिस्किट केक रेसिपी, उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। लगभग 3 से 4 चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाला है। इसे जल्दी से इसमें हाथ ना डालें, नहीं तो हाथों में जल जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इस तरह से इसको हाथों से अच्छे से मिला लीजिएगा। और ये इस तरह से बस हल्का सा शेप पकड़े, इतना ही ऑयल डाले, ज़्यादा ना डाले। और अब हम इसका आटा गूंद लेंगे, चपाती के लिए जैसे हम आटा बनाते हैं उसी तरह से। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाले, एकदम ना डाले। हमें कम से कम एक कप से कम और 1/2 कप से ज़्यादा पानी लगेगा चपाती का डो बनाने के लिए। तो ये देखिए अब रेडी हो गया है ये। तो अब इसे अच्छे से फिर से रोल कर लेते हैं और इसके एक समान रुईया तोड़ लेते हैं, इस तरह से एक समान गोले बना लेते हैं। और फिर इसमें से एक एक करके हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है गेहूं का सूखा आटा, ताकि हमें चपाती रोल करने में आसानी हो। इस तरह से इसको पतली सी चपाती साइज़ में इसको रोल कर देना है, बेल लेना है अच्छे से, और इस तरह से इसको बाद में कट कर लेना है। आप अपने हिसाब से, आपको जैसा भी शेप पसंद है वैसे भी इसको कट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे इसको थोड़ा पतला सा बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। और ये अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, लो फ्लेम पे एक एक करके इसमें हम डालेंगे, और बाद में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको पतला बेला है तो ये जल जाएंगे। हमें इसको बस क्रिस्पी बनाना है, उतना ही फ्राई करें इसको। इसमें बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं रहना चाहिए, इसको क्रिस्पी बनाएंगे हम, तभी इसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। और ये देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब ये सही से फ्राई हो गए हैं तो इसको निकाल लेते हैं, और इसी तरह से बचे हुए सारे गेहूं के चिप्स को हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी, खाने में बहुत ही मस्त लगते हैं। और अगर आप इसे कंटेनर में भर के रखेंगे तो ये 1 महीने तक आराम से चलते हैं। इसमें हमने बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं किया है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया स्नैक है। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ इस मंगलवार। तब तक के लिए वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल आर करून। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।